नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथबस्टर पर। आपको मालूम है कि हम कंपटीशन बेस्ड भी क्वेश्चन बनाने लगे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। देखिए, मैंने साधारण ब्याज पर आपके दो वीडियो बना चुका हूँ, तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर आपको पहले साधारण ब्याज के बारे में मालूम चाहिए, साधारण ब्याज होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज, ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कैसे उसको निकालते हैं। पहले या क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति रुपये 5000 की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। मतलब 5000 रुपये को है दो भागों में देता है, कुछ भाग को 4% के ब्याज पर देता है और कुछ भाग को 5% के ब्याज में देता है। दो वर्षों बाद कुल ब्याज को 440 रुपये, मतलब कि जो ब्याज दिया दो भागों में दोनों का अगर ब्याज जोड़ा जाए वो 440 रुपये होता है, ठीक। उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात कीजिए, कौन सी दर लगाई गई है। यहाँ पे देखिए क्या रखा है, रुपये 5000 को किस अनुपात में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल ब्याज रखा है कितना रखा है ये, और आपको दर रखा है। तो टोटल दर जो 440 रुपये के ब्याज पे मिले उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दर का फॉर्मूला निकालेंगे, दर इक्वल टू हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो देखिए यहाँ पे दर निकाल लेंगे, दर इक्वल टू हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन मूलधन अगुणे समय। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आपका 440 रुपये है गुणे 100, और मूलधन आपका कितना है 5000 है, और समय कितना आपका 2 वर्ष। इसका डिवाइड करिए तो 0 से 0 कट हो जाएंगे, 3 0 कट हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा 44/10 यानी 44/10। ये आपका होगा 4.4। मतलब कि उसने जो धन को बांटा है 4% और 5% को में, और उसमें वो जो बांटा है उसको जो ब्याज मिला 440, मैंने उसका पूरा जो ब्याज बना वो कितना बड़ा 4.4। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे निकालेंगे, तो आप अपना ये जो आपका कुल दर निकला है उसको बीच में लिख दीजिए। ये आपका 4% है, ये आपका 5% है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 0.6, ठीक। ये आपको रेशियो निकल आया। तो देखिए हमने आपको बताया था जो ये 5 के नीचे वाला 5 के निकलेगा और 4 के नीचे वाला 4 के का निकलेगा, ठीक, और 4 के नीचे वाला 4 का निकालेगा। तो देखिए फिर इसके बाद क्या कहा था हमने, इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 0.6 + 0.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी 1% पे उसका कितना है 5000 रुपये। 1% पे कितना आपका 5000 रुपये। तो कितना निकालना पहले 4% का, तो 4% में तो क्या हो जाएगा आपका 4% में क्या आपका 0.6, यानी 5000 गुणे 0.6 मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा आपका 3000। कितना जाएगा 3000। फिर किसका निकालना है, 5% का निकालना है। तो 5% पे दिया गया राशि कितनी है आपकी, कितना निकाला आपका 0.4, यानी 5000 गुणे 0.4। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2000। कितना आएगा 2000। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो 4 का 5 का अनुपात निकालना है, तो 4000 में आपको तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4% में कितना आपका 3000 है और 5% में कितना है 2000 है, और इसको कट कर देंगे 0 से 0 तो कितना आएगा 3/2, यानी कि 3:2। ये आपका अनुपात हो जाएगा इसके, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हम इनको निकाल लेते हैं। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।